हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन SSC MTS का 2022 में जो आया हुआ क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि परसेंटेज पे आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यदि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी कर दी जाती है, तो उसके मूल्य में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 25% बढ़ाया जा रहा है, फिर 25% घटाया जा रहा है, तो ओवरऑल चेंजेस क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ऑप्शन दे रखा है 6.5% की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, 6.25% की कमी हो रही है या 6.25% की वृद्धि हो रही है। तो इसको देखिए, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, हम फ्रैक्शन से लगाएंगे। 25% फ्रैक्शन होता है 1/4, 25/100 करेंगे 1/4 आ जाएगा। 25% की जब वृद्धि की जा रही है तो 4 में 1 बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 4 से 5। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से अगली बार 25% कमी की जा रही, यानी 4 में 1 कम कर दिया जाएगा तो 4 से कितना हो जाएगा, 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 16 से कितना हो गया, 5 × 3 = 15। अब 16 से 15 हो रहा है, बात समझ में आ रही? तो पहले 16 था, अब 15 हो रहा है, कितना कम हो गया, 1। कितने पे, 16 पे × 100। अब 1/16 × 100 है तो हम जानते हैं, फैमिली याद हमें, 1/8 × 100 की फैमिली आप लोगों को पता है। इसका क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। 1/8 × 100 की फैमिली 12.5% होती है, तो 12.5% का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 12, यानी 6.25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 16 से 15 हो रहा है यानी कमी हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 6.25% की कमी। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, समझ में आया आप लोगों को। 25% बढ़ा दिया गया, मैंने रेशियो मेथड से लगा दिया, 4 में 1 बढ़ाया पहले 4 से 5, फिर 4 में 1 घटाया 4 से 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी 16 से ओवरऑल क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, यानी 1 की कमी हो रही है किस पे, 16 पे। 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए, ओवरऑल परसेंटेज 1/8 फैमिली आपको पता है 12.5%, उसका आधा कर दिया, 6.5% की कमी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।